नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हूं और दोनों ही प्रश्न बहुत ही शानदार है। जी हां दोस्तों, और ये वाला जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ना, उस प्रश्न को देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न दिया गया है वो हमारे भारतीय गणितज्ञ रामानुजन का प्रश्न है। और इसमें भाई आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वो अनंत तक गया है, मतलब ये जो संख्या है अनंत तक जाएगा। लेकिन इसमें जो संख्या दिख रहा है वन, देखो पहला क्या है अंडर रूट में दिया हुआ है, उसके बाद वन प्लस टू दिया है, उसके बाद फिर अंडर रूट में दिया है वन प्लस थ्री दिया है, फिर अंडर रूट में दिया है वन प्लस फोर दिया है, ऐसे करते करते हमने कहां तक लिखा है वन प्लस सेवन, अंदर में फिर अंडर रूट में रहेगा, ये संख्या आगे बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा अनंत तक जाएगा। तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, रामानुजन ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया? तो दोस्तों अगर आपको पता है कि इतनी बड़ी जो संख्या दिख रहा है वो भी अनंत तक जाएगा तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप रामानुजन के ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण गणित को देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगा रामानुजन, उसको क्लिक कीजिएगा और वहां पे आपको बहुत सारे गणित मिलेंगे जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इस गणित को हम बनाते हैं और उसके बाद यहां पर मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम रामानुजन वाला गणित को देख लेते हैं जिसमें हम हल करेंगे। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न दिया गया था, अभी जो प्रश्न दिया गया था उसको कैसे हल किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इतना बड़ा जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का उत्तर रामानुजन ने दिया था केवल तीन, और ये वो संख्या है जो इस प्रश्न को हल करेंगे ना तो इसका उत्तर तीन ही आएगा। हालांकि आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या का उत्तर तीन कैसे आ सकता है, तो चलिए आपको हल करके बता रहे हैं। मान लिया जाए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दिया गया है तीन। अब चूंकि उत्तर जो है हमें रूट के रूप में ला रहा है, मतलब जो प्रश्न दिया है वो अंडर रूट के दिया है और हम उत्तर को तीन के रूप में ला रहे हैं, तो इसको लाया कैसे गया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार रूट के रूप में हल करना है। तो सबसे पहले हमें यह तो समझ आ गया है कि रूट को, मतलब तीन को जब अंदर ले जाएंगे तो वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को क्या करना है, हमें हल करते हुए जाना है। तो 9 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 को हम लिख सकते हैं यहां पर 9 न लिख करके हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 1 प्लस 8। अब ये 8 जो लिखा है उसको भी हमें इस रूप में नहीं लिखना है, इसको हमें लिखना है 2 गुणित 4, ठीक है। अब जब इसको आप 2 गुणित 4 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप 2 गुणित 4 लिखेंगे तो यहां पर आप इसको 2 को तो ऐसे लिखेंगे और गुणित जो 4 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा गुणित 4 लिख रहे हैं, तो इस 4 को आपको अंडर रूट में ले जाना है। तो जैसे ही आप इसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो भाई हमको पता है कि जब ये रूट में जाएगा तो ये जो संख्या दिख रहा है 4 वो क्या हो जाएगा, अंदर में जाके 4 चौक 16, मतलब 4 जो है 2 बार आ जाएगा, मतलब ये 4 को हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब इसको भी हम मिटा देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम यहाँ पर 16 लिख रहे हैं तो 16 को भी हम क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे 1 प्लस 15 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा, 15, लेकिन 15 को भी हम 15 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 3 गुणित 5, जिसमें से 5 को हमें अंडर रूट में ले जाना है। तो यहाँ पर 15 लिखा है उसको हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा और जो 5 है उसको हम अंडर रूट में ले जाएंगे, और जैसे ही 5 अंडर रूट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, लेकिन 25 को भी हमें इस रूप में नहीं लिखना है, फिर हम इसको किस रूप में लिखेंगे, तो 25 को हम यहाँ पर लिखेंगे किस रूप में, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस रूप में लिखेंगे 24 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 24 लिखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 24 लिखेंगे। अभी 24 है ना, उसको भी आपको इस रूप में नहीं लिखना है, तो इसको किस रूप में लिखेंगे, इसको भी हमें दो रूप में क्या कर लेना है, मतलब दो भागों में क्या कर लेना है, इसको तोड़ लेना है। कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, इसको हम जैसे 24 लिखा है तो 24 को हम किस रूप में लिखेंगे, तो यहां पर 24 है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 गुणित 6, क्योंकि 4 6 का 24, इसका मतलब है
कि ये जो संख्या हमें दिखाई दे रहा है 24, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। और जैसे ही इस रूप में हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 को तो यहां लिखेंगे और 6 को हमें फिर से क्या ले जाना है, अंडर रूट के अंदर। और जब अंदर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36। लेकिन 36 को भी हमें इस रूप में नहीं लिखना है, फिर किस रूप में लिखेंगे, 1 + 35 के रूप में लिखेंगे। और जो 35 दिख रहा है उसको फिर से तोड़ेंगे, किस रूप में, यहां पर आप उसको इस रूप में तोड़ लीजिएगा कि हम उसको गुना कर सके। कैसे गुना करेंगे, तो 7 × 5 = 35, मतलब 7 × 5। तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे यहां पर 4 आया है तो उसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे और इसको इस रूप में तोड़ेंगे, तो इसको हम फिर से मिटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 36 की जगह हम क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 + 35। अब 35 को भी हम क्या, किस रूप में लिखना है, 5 × 7। तो 5 को तो यहां लिखेंगे और 7 को हमें अंडर रूट में ले जाना है, और 7 को अंडर रूट में ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को भी हमें इस रूप में लिखना है, 1 + 48। अब 48 को भी आपको क्या करना होगा, फिर से दो भाग में तोड़ना होगा, किस रूप में तोड़ना होगा, मतलब गुणक के रूप में, है ना। तो ये 48 कब होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 × 8 = 48, मतलब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 6, और ये जो 8 आएगा उसको फिर अंदर ले जाएंगे, तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। तो 48 को हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे 6, और यहां पर अंडर रूट में फिर जो संख्या बच गया है, जैसे 6 × 8 = 48 हो रहा था ना, 6 × क्या कर रहे थे, 6 × 8 = 48, तो 8 को अंदर ले जाएंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। 64 का भी 1 + क्या लिखेंगे, 63। फिर इसको हम दो भाग में फिर तोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसी प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, अनंत तक ले जा सकते हैं, और इन सबको हल करेंगे तो कुल मिला के उत्तर कहां से आया था, 3 से आया था। तो इतना बड़ा जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हमने निकाल लिया। और दोस्तों, ये हमारे भारतीय गणितज्ञ रामानुजन ने बताया है, तो इस बात पर आपको गर्व होना चाहिए। और निश्चित रूप से आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी प्रश्न आपको इस प्रकार दिया हो जिसमें 1 + 2 + 3 इस प्रकार लगातार संख्याओं को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और बीच में कुछ भी संख्या है भाई, फिर आगे संख्या जो है क्या हो, इस प्रकार घटते क्रम में होगा, है ना, इस प्रकार, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कितना आता है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न जो भी होंगे उसमें बीच की जो संख्या होती है, देखिए लगातार ये बढ़ा उसके बाद घट रहा है, तो बीच की संख्या जहां तक वो बढ़ता है और उसके बाद घटना प्रारंभ कर देता है, तो उस बीच की संख्या को देखना है। अब इस प्रश्न में देखिए उत्तर कितना आएगा, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जैसे बीच की संख्या कितना है, 5, और अगर इसमें वर्गमूल नहीं लगा है तो इसका बीच की जो संख्या होता है उसका वर्ग कर दीजिए, वही क्या होता है, उसका उत्तर होता है। अब आप बताइए, यहां पर जो हमने प्रश्न लिया है, ध्यान दीजिएगा, हमने जो प्रश्न लिया है, यहां पर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है उसके आधार पर इसमें उत्तर कितना होगा, तो भाई आपको यह तो समझ आ गया है कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है बीच में ना हो, और हमको पता है यदि वो वर्गमूल में ना हो और इस प्रकार घटते क्रम में हो, तो बीच में जो भी संख्या होता है उसका वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 × 81, इसका उत्तर कितना आ गया, 81 आ गया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे तो आप इस प्रकार लगातार संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कहां कर क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं को आप क्या करिएगा, जोड़िएगा, उसके बाद 9 से नीचे जाते हुए आपको क्या करेंगे, 1 तक की संख्याओं को फिर से जोड़िएगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो उत्तर है वो निश्चित रूप से इतना ही आएगा। आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग करके देख सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न के उत्तर हमें देना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे देंगे। हाँ, यहां पर आपको यह लग रहा होगा कि देखिए इसमें आप क्या सोच सकते हैं, चलो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। यहां तक देखिए, यहां तक हम सभी जानते हैं कि 1 से लेकर अगर हम 9 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, 45। तो आपको यह लग रहा होगा कि यहां पर भी 9 से लेकर 1 तक है तो इसका भी योग 45 आएगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, तो उत्तर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, कि जबकि क्या है, गलत है। यहां पर देखिए, ये 9 जो है दो बार नहीं आया है, एक ही बार आया है, मतलब या तो आप इधर एक बार 45 मानेंगे तो इसमें आपको 9 माइनस कर देना होगा, इसका मतलब 90 में आप क्या करिएगा, 9 माइनस करके देख लीजिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल 81 ही आएगा। तो इस प्रकार का ट्रिक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन
यहां पर उत्तर कितना आएगा? तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न जिसमें रूट लगा हो, तो हमको तो पता है अगर इसमें रूट नहीं लगा होता तो इसका हम क्या निकालते, उत्तर में वर्ग निकालते। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं इतने भाग को, फिर आपको बता रहा हूं कि वास्तव में इसका उत्तर कितना आता। भाई हमको समझ आ गया है, अगर ये रूट नहीं होता, यहां पर रूट नहीं होता, देखिए अगर रूट नहीं होता तो हमारा उत्तर कितना होता, इसका वर्ग होता। लेकिन इसी में रूट दे दिया है ना भाई, तो रूट और इसको कटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आया, 47। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही शानदार है, और निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।